आज मैं एक ऐसा तेल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो वनस्पतियों के बीज में से उत्पन्न होने वाला जो भी तेल है वो सभी तेलों में से ये तिल का तेल बहुत महत्व का है, बहुत ताकतवान है, बहुत गुणवान है। इतना ये अक्षीरी तिल का तेल है। तिल दो प्रकार का आता है, सफ़ेद और काला। इसमें से काले तिल का तेल तो बहुत ही उपयोगी है, रसायन के लिए भी उपयोगी है और शरीर के रोगों को रोग की जो शरीर में रोगों घर कर गए हैं वो रोग के सामने जो शरीर की शक्ति लड़ रही है वो शरीर की शक्ति रोगों के सामने लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ाती है। इतना ये गुणवान भी है तिल का तेल। तिल का तेल ताकतवान इतना है कि आप कोई भी पत्थर की कटोरी में तेल डालो, पत्थर का खरल आता है इसमें थोड़ा सा तेल डालो, दो दिन पड़े रहने दो, चमची दो चमची ही डालो, दो दिन पड़े रहने दो इसको ऐसे ही, तो दो दिन के बाद आप वो खरल ऊँचक के देखोगे, पत्थर की कटोरी ऊँचक कर देखोगे ना तो नीचे ज़मीन पर भी तेल लग गया होगा और नीचे तलिए पे भी तेल दिखेगा आपको। पत्थर से आर पार को निकलने वाला, पत्थर को चीर देने वाला ये तेल इतनी ताकत वाला है। ये उनकी ताकत की बात हुई। अब उनका गुण की बात करते हैं कि कोई भी वनस्पति के बीज में से तेल ना निकलता हो और उसको तेल निकालना है तो ये काले तिल के तेल की 7 भावना उनको दे दो। 7 भावना देने के बाद उनको पाताल यंत्र से या तो कोई भी रीति से आपको जो रीति से तेल निकालना है वो निकालो तो तेल में इतनी गुणवत्ता है कि सामने वाला जो भी वनस्पति का बीज के चूर्ण में भावना दिया है उनका तत्व लेकर, उनका सत्व लेकर, उनका जो मेन गुण है वो ये काले तिल का तेल अपने में समा लेता है और बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो भी वो जो वनस्पति को बीज की भावना दिया है उसका गुण, उनका सत्व, उनकी शक्ति लेकर ही उनके अपने में समावेश कर लेगी और बाहर निकलेगा वो बीज का ही तेल कहा जाता है। ज़्यादातर अंकोल का तेल निकालते हैं, फिर कनक का तेल निकालते हैं, धतूरा को भी बोलते हैं उसको, कनक को धतूरा के बीज का तेल निकालना हो या तो अंकोल के बीज का तेल निकालना हो तो उसके तेल का उपयोग किया जाता है। इनका बिना तेल निकलना मुश्किल है, इतना ये गुणवान भी है। शरीर में कोई भी रोग हो तो रोग के सामने जो अपने शरीर की आंतरिक शक्ति लड़ती है वो आंतरिक शक्ति को बढ़ावा ये तेल देता है। रोगों के सामने लड़ने की क्षमता में ये ताकत प्रदान करता है ये तेल। हड्डियां भी ये तेल मजबूत कर देती है। ये तेल में फॉस्फोरस होने से चमड़ी के ऊपर हम मालिश करेंगे तो तेल सीधा उतर कर हड्डियां में जाएगा। फॉस्फोरस हड्डियां में जाता है तो हड्डियां को मजबूत कर देती है, हड्डी रोग को भी मजबूत नाश कर देती है। शरीर में कहीं भी कोई भी ताकत आंतरिक शक्ति कम होती है वहाँ ये तेल का मालिश करने के आंतरिक शक्ति वहाँ आंतरिक शक्ति की क्षमता में बढ़ोतरी कर देती है। इतना ये गुणवान मजबूत तेल है। ऐसे तेलों बहुत कम हमारे सामने आते हैं। ये तेल में फॉस्फरस है, फॉस्फरस के हिसाब से हड्डियाँ मजबूत कर देती है।
दूसरा, ये शरीर में बिल्कुल काले तिल का तेल का मालिश करने के शरीर में शांति प्रदान होती है, गहरी नींद आती है और कोलेस्ट्रॉल को भी नियमन करता है, लीवर की खराबी भी दूर कर देते हैं ये तेल, तनाव को भी कम कर देते हैं। सभी प्रकार के जीवलेन रोगों में अतिशय सहायक बनता है ये तेल, बहुत ही उपयोगी है मानव शरीर के लिए, देहवाद के लिए, और इतना ही उपयोगी रसायन के लिए भी है। रसायन में कुछ धातु ऐसी है जो नीचे द्रवणांक वाली है, कलई है, कलई को रांगा भी बोलते हैं, बंग भी बोलते हैं, फिर जसत है, फिर शीशा है, ये तीन धातुओं का पिघाल कर इसमें बुझावा दिया जाए तो तीनों धातुओं को शुद्धिकरण कर लेती है। तीनों धातुओं में जो अवगुण होता है वो ये तेल अपने में समावेश करके बाहर निकाल देती है, इतना ये तेल सक्षम है। पत्थर को सीट देवे तो फिर धातु को तो क्या है इसके सामने, ऐसा ये तेल, तिल का तेल। सफ़ेद तिल का तेल भी चलता है, ऐसा नहीं है कि काले तिल का तेल ही अच्छा है, सफ़ेद तिल का तेल भी सभी गुण इसी तरीके ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सफ़ेद तिल के तेल की तुलना में काले तिल का तेल ज़्यादा गुणकारी है। तेल 4-5 किलो तिल लेकर घासी के गाड़ी पे कढ़ा लोगे तो आपको शुद्ध तेल मिल जाएगा, और वो शुद्ध तेल आप खाओगे तो आप शरीर तंदुरुस्त की तरफ जाएगा, शरीर ताकत की तरफ जाएगा, शरीर में जो भी रोगों के सामने लड़ने की क्षमता शक्ति है इसमें बहुत बढ़ोतरी करेंगे, शरीर की क्षमता बढ़ेगी रोगों के सामने लड़ने की तो रोगों को भी आपो आप पीछे हटी करनी पड़ेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। ऐसा ये शक्तिशाली तिल का तेल है जो सभी मानवों को उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि दाल साग में जो हम दूसरा तेल से वघार करते हैं तो ये तिल का तेल ही डालना चाहिए, दाल सब्जी जो हम बनाते हैं इसमें तिल का तेल ही डालना चाहिए, रसोई हमारे रसोई घर में तिल का तेल ही होना चाहिए, सफ़ेद तिल का हो या कि काले तिल का हो, यही उत्तम रहेगा हम मानवों के लिए, शरीर निरोगी और रखने के लिए। हर कोई घर में, हिंदुस्तान के हर कोई घर में तिल का तेल का ही उपयोग होवे तो बहुत ही मानव के शरीर के लिए, तंदुरुस्ती के लिए उपयोगी होगा, इसमें भी कोई शक नहीं रहेगा। वापरना चाहिए सबको यही तिल का तेल, खाना चाहिए।